फिलहाल हम जयपुर हवा महल, आप देख सकते हैं हवा महल का जो बेसमेंट है, चारों तरफ ये महल आप देख सकते हैं, और ये आप पिंक सिटी, चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में बिखरा हुआ, और ये फिलहाल हवा महल जिसके टॉप के शिखर पर हम जाते हुए देख रहे हो, बच्चे धीरे धीरे लिपस्टिक लगाए हुए जा रहे हैं। आप 5 दिन की पिकनिक के बाद भी, टूर के बाद भी इनके चेहरे पर थकान की कोई नामो निशान नहीं, खा पी के मजे करने के ही काम किए इन्होंने। धन्यवाद, आपने सीखा उसके लिए आप हमें थैंक्स कह सकते हैं, अपने तीर स्कूटाई आप सब के लिए। और सीखो सीखो, आज का दिन और छठा दिन और घर वालों को कभी किसी ने याद भी नहीं किया अभी तक। नहीं आ रही घर की याद, और कुछ हमारी मेहनत कह रही है घर जाए नहीं, खाना पीना फ्री मिल रहा है, क्या करेंगे। एक साथ ये लगभग 180 लोगों का कुनबा है जो 7 दिन से चल रहा है, जिसे मैं बर्दाश्त करके थक गया। आवाज आज की है 4 दिन के बाद, जीप लाल दिख रही है, मतलब कुछ खा लिया इसमें से। गुड्डी के बाल, गुड्डी के बाल, हाँ वेरी गुड। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सर हमारी हेल्प के लिए मौजूद है। बड़े चालाक बच्चे हैं, 6 दिन में कुछ बच्चे तो नहाए नहीं है, फिर भी एडजस्ट किया इन्होंने मेकअप से। राम धर्म तुम्हारा साथ है, कुछ लोगों ने शपथ ली एक टोकर के पानी से ही नहाएंगे, एडजस्टमेंट का ही नाम है, भी परिस्थितियों में डल जाना। ऊपर कुछ बच्चे पहले पहुंच गए, वो ऊपर जाके मखला रहे हैं, और इनके स्वभाव में भी है सबसे पहले हम पहुंचे। ये आप देख सकते हैं ये मेन रोड है, और सामने जो ट्रैफिक आपको नजर आ रहा है उसके बिल्कुल पास में ये हवा महल का जो आंतरिक भाग आपको दिखाई दे रहा है, चारों तरफ बिखरे हुए महल। आप ये सामने वो जंतर मंतर देख सकते हैं, यहाँ से उसका हल्का सा व्यू आपको नजर आ रहा है। आपको थोड़ा मैं जूम करके बता देता हूँ जहाँ हम थोड़ी देर बाद पहुँचने वाले हैं। हाँ कोई बात नहीं, वो नहीं चाहेंगे, बच्चों को तो लड़कों को तो खाने के लिए भी वेट करना पड़ता है, सबसे पहले लेडीज फर्स्ट चलता है अपने यहाँ। आ निकलने वालों को निकलने दो बेटा, आप हमें देखने के लिए नहीं आए, उधर हवा महल देखने के लिए आए हो, रेलिंग पे मत टिको, थोड़ा पीछे हो जाओ, 400 साल पुरानी रेलिंग है, कमजोर हो सकती है। इतना वजन एक साथ गिरेगा फिर रेलिंग का धक्का लेना मत, है वो नहीं बड़े तरीके करके दिखा दे। हमारे बुजुर्ग टीचर मेरे पास बिल्कुल, हाँ जी, मैं आपको पहाड़ियों पे महलों का, दूर दूर तक फैले हुए इस महानगर, इस मेगा सिटी का विहंगम दृश्य दिखा रहा हूँ। मैं ऊपर जाऊँ सर, मैं लाइव कर लेता हूँ। हाँ ये बच्चे वापस, एक मिनट, हाँ चलो सर मैं लाइव ले जाऊंगा। रुको 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 निको, हाँ चलो हवा महल देख कर बच्चे वापस गुजरते हुए, आराम से जाना बच्चों, सेल्फी के साथ ये ले, सेल्फी बहुत लिए, निकलते रहो निकलते रहो। लाइव है आपको लगभग 300-400 लोग देख रहे हैं अभी। हाँ यू स्टाइल से थोड़े, हाँ थोड़े और मकला जाओ, थोड़ा थोड़ा और ज्यादा नहीं,
अगला जाओ, कुछ भी जाना। कैसे ए वाऊ वाली आगे बढ़ो। आज क्या करना है? इससे ऊपर नहीं, और कितना ऊपर होगा? एक 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 निकलो, एक 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 निकलो। ज्यादा ऊपर तो यमराज ही होते। ये लगड़िया चश्मे थे, चेहरे से बड़े तेरे चश्मे। किसने कहा? सर कह रहे हैं। हाँ ठकुराई ने पता रही है, ये आपके पूर्वजों ने सब मैल छोड़े हुए। मेरा कैमरा तो मैं हमेशा बैकग्राउंड में रहा हूँ। ये मैडम है, मैडम के सर पे बाल सीधे उगते हैं फसल की तरह। हाँ यस, चलो कमॉन कमॉन निकलो भाई, आपको निकलना है सीधे। तू कैसे आ गया लड़कियों के बीच में हार्दिक? चढ़ा दिया ऊपर मेरे को, लड़की समझ से चढ़ा दिया होगा। मत बोलो सर। हाँ दीप्ति मैम बहुत अच्छे लग रहे हो, आप आगे बढ़िए। हाँ आपको कुछ कह रहा है हवा महल के बारे में? बस आप अपने बालों को संभालिए, सेल्फी को संभालिए, चलिए आगे बढ़िए। चश्मा नहीं गिर जाए, ध्यान रखना। ठीक हो ना बेटा? एकदम बढ़िया। यहाँ थकान तो नहीं मैडम? वहाँ पर जा रहा है उस पहाड़ी पे, देखो सीधे अपन को। चलो आ जाए, नीचे उतरो, तुमने देख लिया, चलो उतरो, दूसरे आएंगे, उतरो। सर निकाल दो, कितनी देर होगी? देख रहे यार, देखता हूँ। अब ये लड़कों का ट्रेंड आ रहा है। अरे बेटा फेटो में खींच दूंगा, चलो ऊपर से। अभी ऑन क्यू, एवरी बॉयज आर ऑन क्यू, इन क्यू, दे आर बैटिंग ऑफ देयर टर्न। नालायक देखियो, यहाँ कौन छोड़ गया बच्चे? सर मैं खोल के थोड़ा व्यू ले लू। मैं बाहर का व्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यदि खुल जाए तो। थैंक यू सर। यहाँ से देखिए हम हवा महल के टॉप पर रहे, और यहाँ से मैं खिड़की से व्यू ले रहा हूँ, और यहाँ नीचे सड़के, आपको सड़क नजर आ रही है नीचे। यहाँ पर उस जमाने में जो जुलूस निकाल करते थे, यहाँ से जो महारानियाँ होती थी। हाँ लाइव बिल्कुल, ये हमारे रवि जी जो हवा महल की हवा खाने के लिए आ गए हैं। बिल्कुल आप देख लीजिए, ये इधर से इधर जा सकते हैं, देख सकते हैं। राहुल राव जी हमारे आदरणीय अनुकरणीय, इधर बेटा इसके ऊपर भार नहीं देते बेटा, अपना भार ऑलरेडी ज़्यादा है। हाँ इधर से देखो, उधर से निकलते रहो। आप देखिए मैं इस साइड से इसका आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ तक दूर दूर तक जहाँ तक नजर जा रही है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जयपुर है, ये मेगा सिटी है, द कैपिटल ऑफ राजस्थान, राजस्थान की राजधानी। कुछ बच्चे उधर मुंडिया निकाल रहे हैं, हाँ ये लड़कियाँ उधर मुंडिया निकाल रही हैं। हाँ बिल्कुल, पंड्या जी इधर। हाँ मैं जूम कर रहा हूँ, ये हमारे ललित जी सर जो हवा महल के दूसरे कोने में डाई लगा के पहुँच गए हैं। वहाँ काफ़ी बच्चे, ये गुंबद बना हुआ पूरा। हवा महल के बाद थोड़ी देर के बाद अब जंतर मंतर जाने वाले हैं, और जंतर मंतर दिखने से तो ये लगता है कि यहाँ कुछ भी नहीं होगा, पर मेरे देखे हुए जितने भी मॉन्यूमेंट स्मारक हैं उनमें आज तक सबसे ज़्यादा रेट मैंने यदि किसी को दी है, सबसे ज़्यादा फायदा यदि समझने वाली चीज़ उसे जंतर मंतर ही कहूँगा। मैं हवा महल से जंतर मंतर दिखा रहा हूँ मैं आपको, सवाई जयसिंह ने जिसे बनाया था। ये जंतर मंतर है जिसकी जो आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है वो सबसे बड़ी घड़ी है, इस धरती की सबसे बड़ी खगोल घड़ी कहा जाता है, जिसे सूर्य के हिसाब से यहाँ पर एक एक मिनट का टाइम डॉट किया जाता है। आप लाइव चल रहे हो क्या?
हाँ तो आप इसके साथ कुछ बोलते भी रहो, कॉमेडी करते रहो, लाइव कॉमेडी। लाइव का मतलब ये होता है, लाइव नहीं है। अब सर बुढ़ापे में कितना सीखोगे? और भी मैं मर जाऊँ उसके पहले सीख जाऊँ, बुढ़ापे में हो गया हूँ मिला के ताने मारोगे। ये आप देखिए हवा महल के शिखर जो कभी सोने के हुआ करते थे, अभी शायद पीतल के होंगे। सोना पुराने राजाओं के साथ चला गया, उनकी अपनी कुछ कमजोरियां रही होगी इसलिए राज ही चले गए। उसके कुछ हिस्से यहाँ छूटे हुए पड़े हुए देख सकते हो मेरे सामने, ये इतिहास के छूटे हुए हिस्से हैं। भामाशाह के वंशज भी हैं पर ये आजकल भामाशाह रहे नहीं। एक जमाना था मेवाड़ को बचाने के लिए सब दे दिया था, आज सब ले ले। आ जाओ आप दोनों का साथ में ले लेता हूँ, ये लो मैं। एक महाराणा प्रताप के वंशज, दूसरे भामाशाह के, अब पता नहीं दोनों कहाँ हैं। आज भी स्थिति यही है, महाराणा प्रताप कंगाल और भामाशाही पेट भर रहे हैं, पर वो पेट आजकल खुद का भर रहे हैं, ये फर्क पड़ गया है। सही। हाँ बच्चों निकलते रहो जो हो गया हो। ये देखिए आपके अगले कैमरे में पसीना बोल चेसापुर पोर्ट्रेट किया था। ये बच्चे ज्यादा हाथ हिलाएंगे तो हाथ टूट के नीचे गिर जाएंगे, ये भी समस्या है। हाँ ये मैडम आ सेल्फी ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। मुझे डर लगता ही नहीं है। चलिए चलो 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 चलिए अभी के लिए आपको अलविदा। थोड़ी देर बाद आपको जंतर मंतर पे फिर मिलते हैं फिर लाइव के साथ। टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे।